रोमियो जूलियट, शिरीन फरहाद, लैला मजनू, दुनिया में कई लव स्टोरीज फेमस हुई हैं, पर सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन जरूर था। इसलिए मुझे तलाश थी एक ऐसी कहानी की जो इन सबसे अलग हो। और जब मैंने पहली बार उस कहानी को सुना तो ऐसा लगा जैसे ये मुझे अपने पास बुला रही है। सूर्यवंशी कतुर्वंशी महाराजन के महाराज बाबा नर सिंह देव नर सिंह देव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, निष्कंटक राज करती गई, फिर बटा राज छह भागों में, पर रहा कतुरियों के ही हाथों में। है कहानी तेरी शताब्दी की, महाराज धामदेव दुलाशाही की, ही लखनपुर जिनकी राजधानी है उसी रंगीले विराट की। ये कहानी था सुनपति शौक जोहार का व्यापारी, थी दुलाशाही से मित्रता उसकी अति भारी। किया प्रण विवाह का अपनी संतानों का, और हुआ प्रेम सपनों में दो अनजानों का। ये मिलने लगे सपनों में, फिर वही वीणई की आवाज। कहानी जो मॉम डैड के गुजरने के बाद मुझे एक बार फिर इंडिया खींच के ले आई। इसको भी ले जाए यार अमेरिका अपने साथ, कम से कम इंसान तो बन जाएगा। वैसे भी ये यहाँ टाइम खराब कर रहा है, बस और कुछ नहीं। टाइम खराब? मैंने कब किया टाइम खराब? ये जो पड़ा हुआ है ना पहाड़ियों के चक्कर में, पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है अब। ये कोई भूत सवार नहीं है, बहुत मीनिंगफुल काम है। आखिर कुमाऊं और गढ़वाल को मिलाना जो है। मिलाना है एक साथ? रहने दे भाई, छोड़ो। और भैजी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली? भाई दो तीन अच्छी स्टोरी तो मिली है, लेकिन एक लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। अच्छा भैजी कौन सी? राजूला मालुशाही। राजूला मालुशाही जानता है? अरे आज तो वो प्ले है इस पे, हेमदा का। हेमदा? कौन हेमदा? अरे वो हेमपंत जी, पर्वतीय लोक कला मंच वाले। कुमाऊं की बड़ी फेमस स्टोरी है ये तो। अरे तुम्हें तो बस इन कुमाऊं की ही पड़ी रहती है, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अपने गढ़वाल में काम है क्या? कर दिया एक साथ कुमाऊं और गढ़वाल को। अरे माँ वैसे भी रवि आधा तो कमाऊनी है ही, इसको तो अब छोड़ ही दो। अच्छा वैसे प्ले कितने बजे? शाम के 6 बजे। 6 बजे?
वहां बैठ। क्या वैसे गढ़वाली और कुमाऊनी में ज्यादा फर्क नहीं है यार? आई थिंक काफी कुछ तो समझ में आ रहा है ना। समझ तो कुछ खास नहीं आ रहा था, पर इतना जरूर पल्ले पड़ा कि कुर्मांचल के कतिवरी राजवंश और जौहर घाटी के शौकाओं के बीच इस कहानी की शुरुआत हुई थी एक मित्रता से, जिसकी नींव रखी थी दुलाशाही की पत्नी धर्मा और सुनपति की पत्नी गांगुली ने। धर्मा और गांगुली दोनों ही कार्तिकेयपुर यानी आज के जिला बागेश्वर से संबंध रखती थी। फिर भी उनकी संतानों राजकुमार मालूशाही और शौकियानी राजूला का प्रेम ना तो बैराट राज्य को मान्य था और ना ही जौहर प्रदेश को। हेलो। हाँ रवि, मैं बोल रहा हूँ। पूरन मामा। हाँ मामा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ मामा जी, आप बताइए। सुन, ऐसा है ना, इस बार यहाँ गांव में जागर रखी है। बहुत सालों से नहीं हुई है ना जागर, तू भी इंडिया में ही है आजकल, तो मैं सोच रहा था कि तू भी आ जाता तो बहुत अच्छा होता बेटा। पर मामा जी, मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? अरे क्यों नहीं आ सकता, देवता तो सभी को बुलाते हैं बेटा, और तेरी नानी भी तुझे बहुत याद कर रही थी, अरे इसी बहाने उनसे मिल भी लेना। मामा जी, आप जानते तो हैं कि आपके और नानी के अलावा वहाँ और कितने लोग हैं। जब मेरी माँ को वहाँ कोई जगह नहीं मिली तो मुझे क्या खाक मिलेगी? अरे इसीलिए तो बुला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कमला की तरफ से तू इस सागर में आए, तेरा आना जरूरी है बेटा। देख, रिश्तों में हमेशा दूरी बनी रहे ये अच्छी बात नहीं है ना। चलिए मामा जी, मैं आपको सोच के बताता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा है ना, देख सोच मत, आ जा बस, अब रखता हूँ, ठीक, खुश रहो। बात सुनो, तुम मूल रवि को बुले तो हलो, जारजू मान ला, कभी नहीं माना। कभी न कभी तो मानने पड़ा। ससनर्थ, के करना छा राजुलिक बाजू, के करना छा? कहाँ तक पहुँचे कहानी? और यो? सुनपति को पता चल गया है कि मालूशाही जोहार आया हुआ है राजुला से मिलने। योले ठीक छु राजुलिक, मैं योले ठीक छु, कान खोल बेर, मेरी बात सुन। के? भला भल पू पका, सिंघल पका, बढ़िया बड़ी खीर पका, और के? यो मिला देवी मैं क्यों के छु? अरे यही तू छु सब रोग ने दवा, चेहर ना 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 राजू लिख बचू ना, मैं कभी दस पाप नहीं कर सकूं, चाहे तो मैं के कुकरी ले काट दियो, मैं अपना भी खेली हूं तो जहर। ठीक छे, तू चाहे होगी। सुनपति ने जहर देकर मालूशाही को मार डाला, पर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? देवता ने ना चुनो हो लाऊं को इले बुलाना छनवेत है। ओफो, आप कहते क्या पता छ कि देवता के लिए छन्ना चुना? रण दिया मी सब पता छ, एक दिन सब पुग भैरों योग बियोनो छ, ये की माते कत्ता रुलाए, एक नंबर का ढोंगी बामर छनिए। अच्छा अच्छा, बस कर उन भी भैजी और बौजी ने कोई खास काम नहीं करी आज तक। पता छ अंजू कभी और माँ कदना तमस हुए छो, 5 साल तक लड़का नहीं मिली, और पिताजी ने भैजी से कोई बात नहीं करी, और माथे रुलाए सो अलग, और तेरा पिताजी ने तो हमारे भी माँ क्या तमस करी छो। पर बात माँ तो मान गए छा। अच्छा अच्छा, रहन दे सीन दे, अब उन भी हुए थे सब नाटक ही लगत। राजूला मालूशाही का प्ले देखने के बाद मुझे इस बात पर यकीन हो गया था
कि इस कहानी में शायद कई ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं आई और इसलिए इसे समझना जरूरी था। तो राजूला मालूशाही परी क्यों? सर एक्चुअली ये काफी यूनिक स्टोरी है, बाकी सारी लव स्टोरी से बिल्कुल अलग। अलग तो है, और इसमें एक खास बात है कि ये प्रेम कहानी नहीं है या एक लोक गाथा नहीं है, बल्कि ये उस समय के इतिहास की बात है, ये उस समय की सोच है। तो सर आपके अनुसार ये कहानी या फिर सोच में कितनी सच्चाई है? अब इसमें तो सबके अपने अलग अलग मत हैं, ये तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जिस कहानी के बीसियों अलग अलग वृतांत मौजूद हों वो सिर्फ एक कहानी तो नहीं हो सकती ना। तो सर आप बताइए कि मैं शुरू कहां से करूं? यहां से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, पर न जाने क्यों मेरा ध्यान सिर्फ एक ही किरदार पर बार बार जा रहा था। सारी किताबें आज ही खत्म करेगा क्या? जानता है इस कहानी के कम से कम 50 वर्जन्स हैं, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं कि राजूला मालूशाही के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन एक चीज है जो हर जगह सेम है। और वो क्या? राजूला। बाकी जितने भी लोग इस कहानी से जुड़े हुए ना, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और यही इस कहानी की खास बात भी है। बैराट से लेकर जौहर तक की कहानी, जिसका असर शायद पूरे उत्तराखंड के इतिहास पर पड़ा, मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट। तो अब? अब उत्तराखंड की सैर। और जो तेरे नाना जी के गांव की जागर है वहां नहीं जाएगा क्या? बालपन ते याद करा खुगती को तुहारा, हर मेड़े लागड़ी को तिकी की बहारा, नन छने की याद करो खुगती को तारा, हर मैना लगत यक कौती को बहारा। झोड़ चाचरी नाच चौपुला, झोड़ चाचरी नाच चौपुला, वो सत पुली पोसेना, वो बड़े बाजू वो जेठ बाजू वो काका उगे सरकिन गोड़ा का फूल पुरासी को फूला, जयपीर पर देश तुम किले गे झूला किले गूला, हिट पहाड़ा हिट पहाड़ा म्यार पहाड़ा हमारू पहाड़ा, हिटा भेजी भेटियो लो अपनो पहाड़ा, हिटो दीदी हिटो भुला, हिटो दीदी हिटो भुला, हिटवे बेना हिटवे बेना, म्यार पहाड़ा ओ म्यार पहाड़ा उकल सेना, म्यार पहाड़ा चीतर, मुझे पता था तू मेरी बात नहीं टालेगा, चल। अच्छा मामा जी ऊपर बाइक जाने का रास्ता है? अरे रास्ता है क्यों नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास रोड है उधर, चलिए चलो। अरे अरे संभाल के जरा, हाँ मैं फिसली तो बस बस, बाहर की सड़क हुई है, मैं पंचर हो गई तो हो गया काम। मामा जी आप तो कह रहे थे फर्स्ट क्लास रोड है। अरे अब गांव के लिए यही फर्स्ट क्लास रोड ठहरी। अच्छा हाँ, और ये भी गांव के लोगों ने और मंदिर कमेटी ने मिलके बनाई थी। मंदिर? हाँ ऊपर हुआ भोलेनाथ का मंदिर, चल चल दिखाता हूँ। चलो
चलो पहले मंदिर हो आते हैं। मामा जी यहाँ बाइक तो सेफ रहेगी ना? बिल्कुल सेफ है, मंदिर हुआ ये। एक बार किसी ने यहाँ की घंटी चुराई, अगले दिन उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी। क्या? हाँ? अच्छा घर किधर है? अरे जरा सी नीचे है, पहले मंदिर हुआते हैं। चलो चल। पछाड़ो पछाड़ो कुछ हो? नमस्कार मामी। कमला चल। जा रवि, रवि है तू? कितना बड़ा हो गया ये, बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। जीरे जा जीरे। आजा आजा मामा जी से मिलाते हैं बड़े वाले। आजा ये। नमस्ते मामा जी। चल नानी से मिलाते हैं, आजा। ये लो जी आ गया हमारा घर। मरम्मत का काम चल रहा है ना यहाँ, सब जगह तोड़ फोड़ सब कर रखी है, रोड़ी बजरी सब जगह गिरी हुई ठरी। अब नाना जी की भी क्षति बनानी है तो हमने को बनाना ही है, फिर अब क्या करें। आजा आ देख। अरे दीपू हेमा यहाँ आओ। पहचाना दद्दा है ये? अरे बस 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 काफी बड़े हो गए हैं। जाओ 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 तुम लोग खेलो। आजा, आजा, उधर आजा, उधर खेलते हैं। नमस्ते नानी। क्या नाच रहे रवि? की नहीं पहचान रहा हूं, नाच में आ रहा जीते रहो आगे या दिल्ली से। हां ठीक हो रहा, कितना अच्छा हो रहा, मां जैसा है अपना। आ ये है तेरा कमरा। अब ज्यादा सामान तो नहीं है, नया नया बनाया है ना अभी, जो है सो है, लेकिन बिस्तर इस तरह ठीक है। तुम आराम करो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ठीक ठीक है मामा जी, बस आराम करो बस। वी की जल चेले करो वो कम छिके जो बोले हेलो वो खस्से चले गए। देख पुरना यार तू बुढ़ी के छे पर त्योर बचपना आई जा लेनी गए। कबजी आपको की बात करना छ मगर के समझ में नहीं आ रहा। मथुरिया यार मणि समझे थे के? अब ये तो साल बाद जागर लग रहे। कमला यहाँ बटी ले कहले हुंचे ने, अब कब तक यो बातन का हम अकड़ बेर बैठू। देख पुरना तील उको यहाँ बुले तो ले और उको यो घर पेड़ दूर धरिए। दाजू नानते ना के उनर भावना चिंता हो या ना हो पर मिकी छु यार मिकी। अब बाबू तो बगैर बोलिए नहगे छी, अब का कह मालूम उनर भितरे भावना की छी। और जो मरण है पहली लेख बेर गए छी ऊ के ऊ उ सब गलत फहम छी और बाबुल बाबू जो छू कब्बे तो से के राख छी। देखो दाजू जिले भय भय लेकिन आपू का यो नहीं लगनो कि यह सब बार में रवि के लिए पत्ते चलो। जो तुईल वीक बार में सोचो तुईल मरी बाबू घर में हाथ धर बेर कसम खैराक्षी। देख पूरन
अगर तो कहें वीक दगर रिष्ट धरणिक बात छू थर पर वीक बात के लिए गड़बड़ के लिए मैं हफेर कोई नौक नहीं हॉल सुन ले खराब कर रहा हद रह गया अरे इनर नाक में माखनी बैठन अरे करे बात छू सब देखो कगजी अपू भुजन मनिया सुनो अब तुम कब तले अपन जिद पर अड़े रोला हैं पूरन ठीक है तो कौन हो अब तो ना बाबू छे ना कमला पे तुमु के इतु गुस्से के लछु हैं और पे यश अबम रवि के दोष छु बताओ तुम तुले ये बात दूसरी बार नहीं करिए समझ गए छे पानी दे लियो पानी लियो जो आज सब कौ लागो रवदा यूलियो लाओ यो जाग रख जुग तक लीजी ठीक छे और ब्याह ओके 5 बजे पूछे बोल जोन ठीक छे यूलियो होय होय जाओ ठीक छ अरे उठ गया तू हां मामा जी थकान हकान मिटी की नहीं बिल्कुल उतर गई अब ऐसा है ना जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा नीचे लेके जाता हूँ तुझे टी बागान है हमारे वहाँ टी गार्डन्स हाँ अब पहाड़ वैसे नहीं रहे आजा आता हूँ मामा जी इधर आओ वो वहां देख रहे हो वो वहां वहां से लेके वहां से किनारे किनारे वहां तक हमारा चाय गार्डन ठहरा वहां से लेके वहां तक वो वहां तक वहां क्या मामा जी नहीं नहीं वहां कुछ नहीं वहां सड़क बनने की बात चल रही है अब देखो क्या होता है आओ आगे चलता मामा जी ये यहाँ की चाय जाती कहाँ कहाँ तक है अरे यहाँ की चाय तो एकदम फर्स्ट क्लास ठहरी एक्सपर्ट ठहरी मतलब विदेश जाने वाली ठहरी अच्छा हाँ आओ 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 पैसे मत खाना हाँ उल्टी हो जाएगी आओ यहाँ पहले बैंक था अच्छा बाद में डकैती पड़ गई डकैती अरे पहाड़ पहाड़ जैसे नहीं रहे अच्छा मामा जी ये जागीर में होने क्या वाला है देवता आएंगे देखना शाम को आ जाओ थोड़ी सी चाय पी लेते हैं चने खा लेते हैं सुस्ता लेते हैं बुबू चांद दी चांद बुजिया रेडी पहली बेटी चाह बनाओ दी फर्स्ट क्लास दालचीनी डाल भी ये तो पहाड़ का बड़ा फेमस ठहरा चने खा दे तेरी मम्मी की और मेरी बड़ी बनती थी क्योंकि क्यों सबसे छोटा ठहरा ना मैं और दादी तो बस हम दोनों में हुकुम चलाते थे एक बार तो ना तेरी मम्मी की वजह से मेरी दादी ने बड़ी पिटाई की ओह थूस दिया एकदम लेकिन दादी जितना तेरी मम्मी को प्यार करते थे ना शायद ही
शायद ही दुनिया का कोई भाई अपनी बहन से करता होगा। ये बता, क्या कर रहा है तू आजकल? कुछ खास नहीं मामा जी, बस राजूला मालूशाही पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ। वही जा, राजूला मालूशाही पे तुझे क्या सूझी रे? पता नहीं कहाँ से आ गया। तेरे को पता है, तेरे नाना जी ने ना राजूला मालूशाही पे बड़ी रिसर्च कर रखी थी। अच्छा है? कमाल है, प्रेम कहानी पर रिसर्च, लेकिन माँ पिताजी की प्रेम कहानी कोई नहीं समझ पाए। कोशो तो मालिको, बताओ बताओ भगवान बताओ। जी छो बता जोड़ छो किला भगवान अधिवान छ पे जय है छी ई रोड छ छी उ किला ना आए और तुम किला आ छा भगवान आज कौन सुन कर जोड़ छु उनिया निया निया किला नियाल किला नियाल किला नियाल यो तो बताओ। भाजा को बांधी रखो, बांध रहो पे कल बांधो, बांधी रखो कल बांध रखो जल वादा हो कदियो दंड मिखा किले जड़ा हा दंड इनार बाबुल बांधी रखो। ये में मेरे की गलती से इसरो ऑर्डर आ दंड से जो इनार बाबू को दी मिले किले जड़ा हा दंड कैप्टन का उनल बात रखो है मैं ना खा पे उपाय ले तुम बताओ जरा खुलवे बताओ इनार बाबू अशांत किले जन अशांत जन हो अशांत है ना शांत करो पे होय पे मुंगा शांत करो मुंगा कशी हो शांत करे कशके करनो शांत शांत तू नहीं करन चल भाई करो तब हाल तब शांति भगवान शांति शांति। जो आंजू बन में आयो और गयो पंडाजू हमार बाबू लिस्टन के बात देखो बाज लगाओ बाज बोझ के बुलाओ बोझ के महाराज के आधा कोहो तुम पांच सौ जी छो बता जोड़ छो मैं इनर बाजू मोहन तुमले तुमले बुला रखो किले शांति भाई श्रो नारायण मैं भूल चुक की भाई हमारे गलती तो बताओ बताओ किले दुखी चाहते बता दियो पे समाधान कंचन में पे समाधान अरे यो के समाधान कराल यो 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 के समाधान कराल अरे मेरे दुख का कारण तो यो सब जन होय होय मगा चैनल नहीं रुड़ दराई हूँ नहीं रुड़ दराई हूँ मगा चैनल नहीं रुड़ होय सब सब अपन मना करनी सब 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 अपन मना करनी होय 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 मैं बहुत दुखी छू रे मैं बहुत दुखी छू किले दुखी छा समाधान हॉल वीक बताओ तो सही पहली समाधान बताओ पापा बता दियो पे समाधान करो 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 समाधान एक एक ही जाग और एक फैसल करो तुम आज जिनूल अपन बाबू बात नहीं सुनी
ना जीवन पने ना मरण बाद वो मेरी जे के सुनाल के जरूरत से इनो को यो ठाकुरे चले के यहाँ बोलेने की। अब तुमने कब्जो खाम खाम बेकार में बेकार तो इले देखो तय के जली की करो और खानदान के ना कटे दी जब तक जो हाय लगी वो अलग। अब तुमले गड़ी मुर्द किले उखाड़नो छा दाजू दाजू के दाजू उलान आसान छू पर जगह पीड़ हूं उगे पत्त लागू। अरे मील भुगतो तेर बोझिल भुगतो हर बाबुल भुगतो। और मेरी वजह से आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। इससे पहले कि आप लोगों के देवता आपसे और नाराज हो जाएं, मुझे लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। इनर बाबुल, इनर बाबुल भागेगा, भागेगा। नाना जी के घर उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने मेरी सोच को एकदम बदल दिया। एक पिता के मन में अपनी बेटी के लिए इतनी नफरत, शायद यही सदियों से होता आ रहा था। सुनपति ने भी तो राजूला के प्रेम को जहर देकर मार डाला था। राजूला की कहानी का यह शायद सबसे अलग पहलू था जिसे समझने के लिए मुझे शुरुआत करनी थी बागेश्वर के बागनाथ मंदिर से। भगवान बागनाथ यानी कि शिव और उन्हीं के नाम पर कत्यूरी शासन काल में बना था ये मंदिर सरयू और गोमती के संगम पर, शायद 10वीं शताब्दी में। कत्यूरी वंश उत्तराखंड का पहला राजवंश था और कई मान्यताओं के अनुसार उन्हें भगवान राम का वंशज भी कहा जाता था। कत्यूरी राजा शिव के उपासक थे और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम बागेश्वर रखा गया था जो कि कत्यूरी राजाओं के लिए सबसे पवित्र भूमि थी। माना जाता है कि इस पवित्र स्थली में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। एक्सक्यूज मी, माउथोरगन की आवाज सुनी तो आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात को गलत ले रहे हैं। आई मीन आई रियली लाइक इट। थैंक्स। आई विश कि मैं भी आपकी तरह माउथोरगन प्ले कर पाती। वेल आई थिंक यू कैन, पर ये थोड़ा मुश्किल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। You can try it, please. लेकिन मुझे लगता है ये जगह सही नहीं है। क्या हम वहां पे बैठ सकते हैं? Why not? Please come. आइए आइए आइए. Please. Thanks. ये लीजिए. एक सेकेंड एक सेकेंड. इसको ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ लीजिए, ये ऐसे। एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिए म्यूजिक कुछ और नहीं है, ये सिर्फ एक एहसास है, दिल का एहसास। लाइए मैं आपको बता दूं। समझे? जी। लीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़िए, बिल्कुल धीरे। जो धुन आप प्ले करना चाहती हैं उसको फील कीजिए बस। ओके रिलैक्स। ओके
Not bad. Keep playing. बेटा दो कॉफी जल्दी। कॉफी कॉफी। मैंने बहुत बुरा माउथ ऑर्गन बजाया। नहीं नहीं, एक्चुअली पहली बार होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। शिट, 10:30 बज गए, मेरी रूममेट का फोन आ रहा है, अब मुझे चलना चाहिए। ओके बाय बाय। यू वेलकम। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ, पहुंच रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ? हाँ बस नेचर के मजे ले रहा था। वैसे भी यहाँ से हिमालय बहुत खूबसूरत दिखता है ना? जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप यहाँ पहली बार आए हैं। हाँ। और आप? मैं तो यहाँ आती रहती हूँ। एक्चुअली यहीं पास ही में मेरे नाना जी का गाँव है, तो वहाँ आना जाना लगा ही रहता है, और अगर उस वजह से नहीं आ पाती तो काम ले आता है। क्या करती हैं आप? मैं एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ में फेलो हूँ। हमारी एनजीओ जगह जगह जाकर स्कूल्स में बच्चों को एजुकेशनल ट्रेनिंग देती है। ओह, दैट्स क्वाइट मीनिंगफुल। और आप? मैं एक फिल्म मेकर हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने ही आया हूँ। किस टॉपिक पर? आपने सुना होगा उत्तराखंड की एक लव स्टोरी, राजूला मालूशाही। क्या? सीरियसली? वो तो यहाँ की सबसे फेमस लव स्टोरी है। इनफैक्ट मुझे भी कई लोगों ने यही बात कही। कितनी बन चुकी है? अभी तो शुरू भी नहीं किया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मैं एक सजेशन दूं? हाँ। इस कहानी की शुरुआत आप वहीं से कीजिए जहाँ इस कहानी का जन्म हुआ था। कहाँ से? चौखुटिया। चौखुटिया, कथियरियों की नगरी बैराट, जहाँ का राजकुमार था। राजकुमार मालूशाही। प्राचीन नगरी बैराट जो 13वीं शताब्दी में उत्तराखंड में कत्यूरी साम्राज्य का गढ़ थी, यहीं जन्मा था मालूशाही, राजा दुलाशाही और रानी धर्मा के महल में। जन्म के समय मालूशाही की गृह दशा काफी खराब थी, अल्प मृत्यु निश्चित थी। सिर्फ एक ही उपाय था कि अगले कुछ ही दिनों के भीतर मालूशाही का विवाह किसी नौरंगी कन्या के साथ करा दिया जाए। तभी समाचार आया कि शौक व्यापारी सुनपत के घर नौरंगी कन्या राजूला का जन्म हुआ है। यह सुनकर दुलाशाही ने सुनपत को संदेश भेजकर राजूला और मालूशाही का विवाह तय कर दिया। मालूशाही तो बच गया, पर कुछ ही दिनों के बाद राजा दुलाशाही की मृत्यु हो गई। पूरे बैराट ने राजूला को अपशगुनी मानकर हमेशा के लिए उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अच्छा, ये सब राजूला के साथ ही क्यों हुआ? ऐसा होता है, कुछ भी बुरा हो उसका दोष एक औरत के सर मढ़ दो और फिर उससे ऐसा बर्ताव करो जैसे वो इंसान नहीं शैतान हो।
राजूला और मालूशाही दोनों का जन्म हो चुका है। राजूला का जन्म सुनपति के यहाँ और मालूशाही राजा दुलाशाही के यहाँ। दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से एकदम अनजान। इनफैक्ट मैं यहाँ मालूशाही को तो ढूंढ रहा हूँ। यहाँ? हाँ। वैसे तुम्हें पता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। उस दिन भावना से फिर से हुई मुलाकात कैसे दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। अच्छी बात तो ये थी कि उसने दोबारा माउथ ऑर्गन सीखने की बात नहीं की। और फिर हम दोनों निकल पड़े लखनपुर मंदिर की ओर, उस इतिहास को ढूंढने जिसे लोग भूल चुके थे। अरिशोर के हम लोग सही जा रहे हैं यार, मुझे कोई बोर्ड वोर्ड तो दिख नहीं रहा यहाँ पे। अरे इन जगहों की फिक्र ही किसे है, चलो हाथ दो। चलो उनसे पूछते हैं सामने। हाँ। भाई साहब, भाई साहब, ये लखनपुर जाने का रास्ता किधर से? भाई साहब, ये लखनपुर जाने का रास्ता किधर से है? वो लखनपुर मंदिर? हाँ। इधर से चले जाओ सीधा। जी चलो चलो। धन्यवाद। एक बात बताओ, जैसे वो आदमी लखनपुर का नाम सुनकर घूर रहा था, वहां कोई भूत भूत तो नहीं रहता ना? खेतों के बीचों बीच क्या है? वो समाधि है। समाधि? किसकी समाधि? गोपाल बाबू गोस्वामी जी की। गोपाल बाबू गोस्वामी, ये नाम मैंने सुना हुआ है। शायद कवि थे ना? कवि? अरे हाँ, मेरी माँ इनकी कविता गाया करती थी। कुआओं गढ़वाल पे कुछ था। क्या था? प्यारो मेरो गाँव। हाँ। हिमाला को ऊंचा डाना प्यारो मेरो गाँव, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं। चले चलो। यो कथुरी ने एक मंदिर यो ही छिने लखनपुर मंदिर। होय होय, लो पहुंच गए तुम्हारे कथियों के बैराट महल में। था बैराट का महान कत्यूरी महल, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, बस कुछ पत्थर बचे हैं और ये मंदिर।
मालूशाही। चैत्र मास का पहला दिन, युद्ध कौशल की परीक्षा। तय होना था कि सबसे श्रेष्ठ राजकुमार कौन होगा, अस्कोट का पदमपाल या फिर लखनपुर का मालूशाही। वहां इधर मालूशाही और उधर थी जौहार में राजुला, पहाड़ों की गोद में खेलती और रोज न जाने कितने प्रश्नों का उत्तर खोजती रहती। अपने अतीत से अनजान स्वप्न में किसी राजकुमार की प्रतीक्षा करती रहती। दिशाओं में कौन सी दिशा, देवताओं में कौन से देवता, देशों में कौन सा देश और राजकुमारों में कौन से राजकुमार सबसे श्रेष्ठ हैं? अच्छा सुन, दिशाओं में पूरब दिशा सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वहां से सूरज निकलता है जो इस दुनिया को जीवन देता है। देवताओं में भगवान बागनाथ जो दसों दिशाओं में व्याप्त है। देशों में बैराट और राजकुमारों में बैराट राजकुमार मालूशाही। बैराट राजकुमार मालूशाही। गांगुली के मुंह से बैराट और मालूशाही का नाम सुनते ही मानो जैसे राजुला के अंतर्मन से एक आवाज निकली, कहीं यही तो वो राजकुमार नहीं था जिसकी प्रतीक्षा वो हर रोज करती थी। इतने मधुर संगीत से मुझे बेचैन करने वाली तुम आज फिर से मुझे खींच ले आई ना यहाँ। अद्भुत, जिसे हमेशा स्वप्न में देखता आया हूं, जिसकी वीणाई की धुन मुझे हमेशा इन वादियों में खींच ले आती है, उसे आज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इस सुंदर देश तक मुझे खींच लाने वाले और प्रतीक्षा कराने वाले श्रेष्ठ कुमार कौन हो तुम? मैं बैराट का राजकुमार मालूशाही। हाँ, मेरे सपनों में आने वाला राजकुमार मालूशाही। और तुम? मैं राजुला शौक्याण जौहार से। जौहार? राजुला? हर पल नया करार हुआ,
हर पल नया करार हुआ, तुम ही कह दो मुझे, तुम ही कह दो मुझे। सुनपति जी, ज्ञानिमा मंडी से सामान समय से पहले पहुंच चुका है, इसलिए हमें नीचे के इलाके में जाकर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही सुझाव है कि बैराठ में लगने वाले अंग्यारी देवी के मेले का हमें रुख करना चाहिए। क्यों सुनपति जी, आप क्या कहते हैं? सुनपत जी, ये सब जुहार के हित में है। यदि ऐसा है तो ठीक है। पिताजी के साथ अंग्यारी देवी के मेले में बैराट आ रही हूँ, तुमसे शीघ्र मिलूंगी राजकुमार। हाँ राजुला, वहीं राम गंगा के तट पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मालूम है यही लगता है चैत्र मास का अंग्यारी देवी का मेला। मालूशाही पहली बार राजुला से यही मिला था। इतनी भीड़ में? अरे बाबा, नदी के किनारे। अच्छा। और क्या? हम भी वहीं चलें। सोते जगते रातों में कुछ अनकही बातों में ढूंढता है अनजान बन मन पलचिन तुझे ही यादों। हाँ, भी जैसे साल हुआ।
होगे, मैंने सोचा भी नहीं था। बदतमीज क्यों? यहाँ खड़े होके माउथरगन बजा रहे हो, ये नहीं कि मुझे लेने आ जाते? अरे तुमने ही तो बोला था यहाँ मिलने के लिए मुझे। तो मैं जो बोलूंगी तुम मेरी सारी बातें मानोगे? हाँ नहीं आई मीन अच्छा बताओ किस बात के लिए बुलाया था मुझे यहाँ? बात हद है, तुमने तो मुझे अभी फोन करके बोला कि बहुत जरूरी बात है, जल्दी आओ। ओ हाँ वेल तुम्हें एक बात बताना चाहता था भावना। एक्चुअली तुम्हें शायद सुन के थोड़ा सा अजीब लगे। तुमसे मिलने से पहले भी मैं तुम्हें सपनों में देखा करता था, और जब पहली बार तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। इसका मतलब तुम मालुशाही और मैं राजुला, और ये हमारा नया जन्म है। What? मतलब राजुला मालुशाही? तुम्हें ना आजकल राजुला मालुशाही के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। भावना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और शायद तुम्हें भी। रवि देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, पर मेरे लिए सब पॉसिबल नहीं है। क्यों रवि? कई सारे इश्यूज हैं, हम दोनों दो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और मेरे पेरेंट्स। एक सेकेंड, दो अलग अलग बैकग्राउंड से मतलब? Are you trying to say एक पंडित और एक ठाकुर, राइट? नहीं नहीं, एक कुमाऊनी पंडित और एक गढ़वाली ठाकुर, राइट? यानी कि दोनों अलग अलग। रवि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो मेरे लिए ये सब इतना सिंपल नहीं है, और मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती। दोस्त? भावना मुझे लगा था कि तुम्हारी सोच औरों से अलग होगी, क्योंकि तुम एक एजुकेटेड लड़की हो, लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल वैसा सोचती हो जैसा कि। रवि तुम मेरी बातों का गलत मतलब ले रहे हो, देखो तुम मेरी पूरी रवि तुम मेरी पूरी बात को सुन लो। रवि, रवि, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। रवि, रवि, सुनो तो। आज के बाद मालुशाही से तुम कभी नहीं मिलोगे, समझी? आप तो जानते ही हैं सुनपति जी, आपके मित्र और हमारे महाराज विक्कीपाल जोहार के लोगों को भी अपना ही मानते हैं, और राजुला के लिए इनसे अच्छा वर पूरे संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं आपकी बात, पर एक बेटी का बाप हूं मैं, आप मुझे सोच विचार करने के लिए कुछ समय तो दीजिए। अरे सुनपति जी आप तो हमारे मित्र हैं, जरूर समय लीजिए। हमारे महाराज तो अंतर्यामी हैं, इन्हें यह मालूम था, इसीलिए अगली एकादशी को आपके सम्मान में एक भोज रखा है। आपसे विनती है आप वहां जरूर पधारें, और तब तक सोच विचार भी कर लीजिए। अगर सुनपति विवाह प्रस्ताव से इतना ही घबरा गया था
तो उसने मना क्यों नहीं किया? सुनपति का उसके साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। वह वहां से अनाज लेकर के तिब्बत जाता था और तिब्बत से नमक, ऊन, सुहागा, सोना ला करके बागेश्वर कत्यूर घाटी से बैरारपुर तक व्यापार के लिए जाता था और अनाज के साथ दिन में यहाँ व्यापार करता था। उसे इस व्यापार में चौगुना लाभ होता था, इसीलिए सुनपति बीखेपाल को मना नहीं कर सकता था। लेकिन राजूला का मालुशाही के साथ जो प्रेम संबंध स्थापित हो गया था, उससे सुनपति जो था बहुत बेचैन हो गया था। ये दिन और उनके सामने कही गई हर बात सौगंध के समान जुगे बीती लागी मन में आगे ये निधुलनी यो पराणी सुनिए, आप एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। कहीं आपकी जिद की वजह से राजूला का जीवन बर्बाद ना हो जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं उसका दुश्मन हूं? जो कुछ करूंगा उसके हित में करूंगा। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और हां, अपनी लाडली को समझा देना, नहीं तो होनी को अनहोनी होने में देर नहीं लगेगी। मुझसे इतना नाराज है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। उन्हें पता है कि मैं मालुशाही से प्रेम करती हूं। क्या आप दोनों को मेरी पीड़ा नजर नहीं आती? ऐसा क्यों कह रही है बेटी? कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की पीड़ा को अनदेखा करेंगे? ये तो बस इसलिए कि तुझे आगे चलकर कोई दुख ना हो। दुख? दुख तो अब हो रहा है माँ। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ मालुशाही है और उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अरे, जमीन आसमान का फर्क है उनमें और हम में। कहाँ वो बैराट का कत्यूर राज घराना और कहाँ हम जोहार के व्यापारी। लेकिन माँ, प्रेम ये सब नहीं देखता। बेटा, प्रेम के अलावा भी बहुत कुछ है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये बात तब की है जब तू पैदा भी नहीं हुई थी। मैं और तेरे पिता एक बार बागेश्वर के बागनाथ मंदिर गए थे और वहीं हमारी भेंट हुई बैराट के राजा दुलाशाही और रानी धर्मा से। क्या बताऊं रानी धर्मा, वस्तुओं के आदान प्रदान में दिलों की अदला बदली कब हुई पता ही नहीं चला। सुनपति जी को देखकर तो लगता ही नहीं कि व्यापार के अलावा उन्हें कुछ सूझता भी होगा। जी, आज लगता है महाराज और सुनपति जी की खूब बन पड़ी है। हमें जाकर बाहर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक कहती हो। चलो चलो। ठीक कह रहे हैं आप।
जोर जोर से ठहाके गूंज रहे हैं। ऐसी क्या बातें हो रही हैं महाराज? आओ आओ बैठो महारानी। बैठो भाई। सुनपति जी यहाँ की एक मान्यता के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, कौन सी मान्यता जी? मान्यता यह कि यदि इस नारंगी के दो टुकड़े कर दिए जाएं और दाहिने तरफ का हिस्सा बड़ा हो तो पुत्र होगा, और छोटा हुआ तो पुत्री। भाई सचमुच ही बहुत रोचक मान्यता है। मुझे लगता है कि हमें इसकी परीक्षा करनी चाहिए, क्यों महारानी? अवश्य अवश्य। लीजिए महाराज। मुझे दीजिए। लीजिए महाराज, आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। हाँ। और आपको? मुझे भी दीजिए। मुझे पुत्री प्राप्त होगी। पुत्री? यदि ऐसा संयोग बनता है तो क्यों ना उन दोनों का विवाह कर जौहर और वैराट के बीच एक नए संबंध की शुरुआत की जाए। आप लोगों का क्या सोचना है? महाराज अगर ऐसी बात है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? फिर क्या हुआ माँ? फिर गोछो जब लागो कचूरी मन चिरी। मेरे लिए परेशान मत होना माँ, आप दोनों की पीड़ा मैं समझती हूँ, पर मुझे बैराट जाकर अपने प्रेम की परीक्षा तो लेनी ही होगी। पिताजी के लौटने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी माँ। जौहर से बैराट तक अकेले बिना किसी को बताए उसे डर नहीं लगा? अरे जौहर की लड़कियाँ बहुत चौका लड़कियाँ बहुत हिम्मत वाली होती हैं, जो एक बार सोच लिया उसे अवश्य पूरा करती हैं। काश तुम भी राजूला जैसी होती। ढूंढती हर पल ये आंखें हैं जिसे वो मखमली ख्वाब इस कदर उभर गई।
साधना युगों की बिखर गई, यादें अब सैलाब बन उफनती है, क्यों हर दिशा तलाश में ठहर गई। तुम हो जहां पर पास ही कहीं हो। तुम दूर हो पर पास भी तुम ही हो। पास भी तुम ही हो। हर सांस में एहसास में राजूली थामदाचुली बाडा लागी गेस राजूली बाडा लागी गेसा उठ राजूली थामदाचुली बाडा लागी गेस राजूली बाडा लागी गेसा अटकालिका देवी जशी बाडा लागी गेस राजूली बाडा लागी गेसा बागनाथ की अपुतली बाडा लागी गेस राजूली बाडा लागी गेसा घट घट गांगणा बणा डराण भय जण राजूली डराण भय जणा गाळ गजरा सुन पुकारा थमाण भय जण राजूली थमाण भय जणा हे डन खनक पार करी हो दो परी ब्यावकणी बाटा लागी गेच राजूली बाटा लागी गेचा हे अब कुदी गेच राजूली राम गंगा का किरार भेटण आपुण सुआ मालुशाही दिरार भेटना अपना मालू साईरा भेटना अपना मालू साईरा भेटना अपना राजुला। उठ गए राजकुमार। तुम यहाँ क्यों? आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य आश्चर्य ही तो है। जानती हो मैं तुमसे जौहर मिलने आने ही वाला था कि तुम आ जाते तो मैं क्यों आती। पर तुम तो अपने स्वप्नों में ही खोए रहे राजकुमार। स्वप्न? हाँ, स्वप्न ही तो था वो। मैं यहाँ आई और तुम सो रहे हो मालू। और तुमने जो मुझे इतना सताया उसका क्या? मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की। एक बात बताओ राजुला, कहीं तुम किसी और की? अभी तक तो तुम्हारी ही हूँ राजकुमार, पर आगे का पता नहीं। मैंने यहाँ आकर अपना प्रेम सिद्ध कर दिया, अब तुम्हारी बारी है मालू। अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो तो जो हार आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। रुको राजुला,
वो सामने जलद गांव है, वहीं से राजूला, हुमाधुरा, तेजम, श्यामाधुरा, कपकोट, बागेश्वर से फिर सोमेश्वर, द्वाराहाट और फिर एक सेकंड। हेलो, अरे कहाँ है तू? अरे मुंशियारी में, और कहाँ? कमाल है यार, फोन तो ऑन रखा कर, तुझे पता है मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ। अरे यार, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नेटवर्क का नहीं, प्रॉब्लम तेरा है। एनीवेज सारी बातें छोड़ और मेरी बात सुन। भावना ये थी। भावना? तेरी वाली भावना, भावना पंत। क्या, कब आई थी भावना? करीब एक हफ्ते पहले आई थी। तेरा फोन कितना ट्राई किया पर तेरा फोन तो स्विच ऑफ था। कॉन्टेक्ट कर लियो उसको। ठीक, चल रखता हूँ। अच्छा, और मैं यही सोचता रहा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करती। हम दोनों कितने अभागे हैं माँ। बट भावना पंत, उनकी तो फेलोशिप ओवर हो चुकी है। ओवर हो चुकी है? अच्छा, उनका कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा? एक्चुअली आई हैव लॉस्ट सम नंबर। नो नो, कांटेक्ट नंबर मेरे पास तो नहीं मिलेगा। देखिए देखिए जयेश, बहुत अर्जेंट है। नो सर, नहीं। अच्छा, उनका कोई एड्रेस, कोई पता, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए प्लीज मुझे दीजिए। नो 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 सर, नहीं है एड्रेस। जयेश मेरी बात सुनिए, देखिए इट्स वेरी अर्जेंट। आप मेरी सिचुएशन, हेलो। अरे कहाँ गए मालूशाही, मिली आपको राजूला? नहीं सर, अभी कहाँ मिली, और ये भी नहीं मालूम कि मिलेगी कहाँ। अरे चिंता मत करो, मिलेगी। वैसे हो कहाँ? अभी तो बागेश्वर आया हूँ, बस यहीं से वापस लौट रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आते हुए पिथौरागढ़ के रास्ते ही आना, इधर का रास्ता बंद है। ठीक है ठीक है ठीक है। जब तक अपने पिता के वचन को पूरा नहीं कर लेता और राजूला को उसका खोया सम्मान वापस नहीं दे देता, तब तक अपना राजपाट छोड़कर योगी का जीवन व्यतीत करूंगा। रास्ते युमोड़ बन के मुड़ गए, रास्ते युमोड़ बन के मुड़ गए, चाहतों में सुन नए जुड़ गए। रहे ढूंढते हम कदमों के तेरे निशान, जमी से आसमां तक हम जुट गए। मंजिल तुम ही हो, तलाश भी तुम ही हो। तुम दूर हो पर पास भी तुम ही हो। तुम दूर हो पर पास भी तुम ही हो।
सांस में एहसास में। थप्पड़ क्यों मारा? तो और क्या करूं? तुम्हें मालूम है, मालू शाही जब राजूला से मिलने गया था ना जौहर, तो राजूला ने उसे प्यार से गले लगा लिया था, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। यही है तुम्हारा प्यार राजूला? जाने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो मैडम एक फोन तो हो सकता था आपसे। किस्मत ही खराब थी, जिस दिन मन हुआ कि तुमसे बात कर लूं उस दिन मेरा फोन ही खो गया। और तुमने मुझसे कौन सा इतनी सारी बातें कर ली? अरे वो एक्चुअली वो गुस्से में तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया था। तुमने भी तो फोन नहीं किया था मुझे, मुझे लगा कि तुम शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, नाराज हो। हाँ हाँ मैं ही नाराज हूँ, और अगर तुम्हें मैं आज यहाँ भी नहीं मिलती तो। अच्छा ओके सॉरी बाबा सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो वैसे? तुम्हारी फेलोशिप तो कब की खत्म हो गई? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी फेलोशिप खत्म हो गई है? अच्छा तुम्हारे राजूला और मालूशाही कहाँ तक पहुँचे? कितनी बनी तुम्हारी फिल्म? अभी का बनी है, अभी तो राजूला की शादी तक पहुँचा। बाय द वे तुम्हारी को शादी वादी का तो प्लान नहीं बन रहा ना? नहीं। तो किससे हो रही है तुम्हारी राजूला की शादी? मालूशाही से? राजा विक्कीपाल से। मालूशाही तो योगी के भेष में बैठा है जौहर में, लेकिन राजूला मालूशाही के साथ भागने का प्लान बना रही है। इस वक्त विक्कीपाल पूरे जौहर पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, और अगर विक्कीपाल का विरोध किया गया तो वो पूरे जौहर पर आक्रमण कर देगा। घबराओ मत राजूला, जौहर को कुछ नहीं होगा, मेरे एक इशारे भर की देर है, पूरी कत्यूरी सेना उन्हें यहां से जीवित नहीं जाने देगी। नहीं मालू, जौहर के लोग विक्कीपाल के साथ हैं, और अगर तुम सेना लेकर आओगे तो जौहर के लोग कत्यूरी सेना के सामने खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ राजूला, इसीलिए तो आज तक कत्यूरी सेना ने यहाँ प्रवेश नहीं किया। इसलिए तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, क्योंकि जब विक्कीपाल को ये पता चलेगा कि राजूला अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध जौहर से बैराट चली गई है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राजूला, ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है, किसी को समझाने का भी नहीं है। मुझे केवल 2 दिन का समय दो, सारी तैयारियां हो जाएंगी। हेलो। हाँ रवि, भावना। हाय भावना, बोलो। रवि वो एक्चुअली डैड। डैड? क्या हुआ तुम्हारे डैड को? भावना के डैड तुमसे मिलना चाहते हैं,
आज। डैड, ओ अंकल आप? हाँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम आज बिजी नहीं हो। बिजी नहीं अंकल, खाली खाली हूँ, बिजी नहीं हूँ। ठीक है, आज दिन में 2 बजे एड्रेस तुम्हें भावना समझा दी। रवि मैं तुम्हें एड्रेस एसएमएस कर रही हूँ। ओके चलो बाय। अच्छा भावना सुनो, भावना लीजिए योगीराज। योगी राजकुमार मानुषाही मुझे तुम्हारा सुनपति। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जी रवि बिष्ट। भावना बता रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सीडेंट में, जी 2 साल पहले उनके कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तुम्हारे पिता का नाम? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। माँ का नाम? जी कमला बिष्ट। अच्छा बेटा, किसी मोहन दत्त भट्ट या पूरन दत्त भट्ट को जानते हो, वो बिस्कियाल वाले? ये तो मेरे नाना जी और छोटे मामा के नाम है, लेकिन आप लोग ये सब? भावना लाना जरा वो एल्बम। इन्हें देखो। जी देखो। अरे ये तो मेरी मॉम है आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोग मेरे मॉम डैड को कैसे जानते हैं? सिर्फ उन्हें नहीं, उनके पूरे परिवार को जानते हैं। ये थी भावना की मॉम, मेरी मॉम की बचपन की सहेली, और ये भावना के डैड, मेरे नाना जी के स्टूडेंट रह चुके थे, और भावना जिसके साथ पहले दिन से ऐसा लगने लगा था जैसे मैं इसे सालों से जानता हूं। आखिर ये सब था क्या, महज एक इत्तफाक या और कुछ? हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे रवि, चीजें कुछ अलग होती अगर उस दिन तुम्हारे नाना जी के साथ वो हादसा ना हुआ होता। अगर माँ ना भागती तो भी तो नाना जी के साथ वो हादसा हो सकता था सर। ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन तुम्हारे नाना जी के परिवार वाले नहीं। वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं मुझे अच्छी तरह मालूम है सर। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि आज तक जो भी गलत हुआ उसकी वजह सिर्फ मेरी माँ थी, यहां तक कि मेरी माँ की वजह से मेरे नाना जी मरने के बाद भी अशांत रहे, उनसे नफरत करते रहे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे नाना जी तुम्हारी माँ को अपनी वसीयत में जगह ही क्यों देते? वसीयत? वसीयत में मेरी माँ का नाम? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, किसी ने आपको कुछ गलत बताया। रवि, तुम्हारे नाना जी की वसीयत पर खुद मैंने विटनेस के तौर पर साइन किए थे। साइन? मतलब ये बात तुम्हें कभी पता चली ही नहीं। मुझे लगा था कि मथुरा। ओ, तो ये सब किया धरा मथुरा मामा जी का है। देवताओं का ना नाचना, परिवार पे अभिशाप, नाना जी की मरने के बाद अशांति, और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा ताकि वो मेरे माँ के हिस्से पर अपना हक जमा सके। नहीं रवि, तुम अपने मथुरा मामा को शायद गलत समझ रहे हो। Thank you.
इन्हें दूर से कहो। इनर बाबुल, इनर बाबुल बहादुर आप। मैं शांत करो, शांत करो। मैं बहुत दुखी चूर है, मैं बहुत दुखी। वहाँ क्या मामा जी? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सड़क बनने की बात चल रही है, देखो क्या होता है। ये सब इत्तेफाक नहीं था। अरे देर है गेरे, देर हमन कहे आज। आई वहां जाकर लीजिए करण छी व्यवस्था। होय 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 हित दाजू, अपन तो एक बात करन छे। बोल। जब से कहने उठना हो मालिको भगवान नारायण कहा गया, जब से कहने उठना है के नाम कनी के छुआ छू जगह है जी बात में निगे लागी रहो आजकल तू। ठीक ना तेरे हिसाब किताब। अरे तो काम को छोड़ दे, तेरे बस बात ना। अब मैं बुलोरे नहीं पे, अब मेरे की गलती हूँ तो जवान जी ने कराक्षी जिले छू पे के नाम के गलती छू जब के तुम घर में छू। दीवान जू कहीं बुलाओ पे, बुलाओ जवान जू कहीं लियो पे, लियो लियो। अच्छा तुम कि कौन चाचा जी, कौन चाचा कहो इसरो नारायण परमेहर। दीवान छू, हाय दीवान छू पे भगवान एल कहना आए इसरो नारायण। बताओ बंदी रखो, बंदी रखो, बंदी रखो। कहन बैठ रहो इसरो नारायण पे, कहन बाटो तुझी न बाट। इनर बाबुल बंदी रखो, बाबुल बंदी रखो, बंदी रखो, बाबुल बंदी रखो। जब मेरे की गलती छू बंदी रखो। नरसिंह जूनियर नियाल रे, नरसिंह जूनियर जड़ दे, जड़ दे, जड़ दे, जड़ दे, जड़ दे। बिना बुदा भये वो बुदा रे बाजा सेल्या लगाया बुदा। शांत भगवान, शांत। खुद धरो, खुद धरो। पांडालो पानी। आई भी बात। अरे किले करमचा तुम दाजो आत्मा के परेशान। आई है गयो। देख ले रे मथुरिया, यो पुरनेल यो लौंडे के आई बुले ले यहाँ। जी लौंड यहाँ कहाँ बटिया? तुईल बुलाई कहें? पूरन मामा ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया है, मुझे यहाँ मेरे नाना जी ने बुलाया है, आपके पिताजी ने। बकवास कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है उस काम को पूरा करने के लिए जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, जिसकी वजह से वो मरने के बाद भी परेशान रहे। अरे वो परेशान है तेरी माँ ने जो किया उसकी वजह से। तेरी माँ ने जो इस खानदान के मुंह पर काली पोती उसकी वजह से। अगर ऐसी ही बात है तो आप सब लोग बताइए मुझे कि नाना जी ने अपनी आखिरी वसीयत में माँ को शामिल क्यों किया। अच्छा तो तुझे वसीयत के बारे में पता लग गया है और तू यहाँ हिस्सा मांगने के लिए आया है, क्यों? नहीं मामा जी, मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ को हक दिलाने आया हूँ। हक? पूरी जिंदगी तेरी माँ ने उन्हें तड़पाया। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे मेरी माँ ही वजह है तो ठीक, बुलाइए नाना जी को, बुलाइए नाना जी को और उन्हीं से पूछ लीजिए कि सच क्या है। तो
तू मुझे झूठा कह रहा है? पूर्णा, यहाँ कहीं हल्ले यहाँ बटी भेज नतर ने दाजू बाबूले अशांत छन हम उनका पत्तो हूं किले अशांत छन आप बैठो बाबू उनके बुलाओ बुलाओ क्या था कुछ हो तुम बता दियो अपने नाम बता दियो मैंने बाजू मोहन इनर बाजू बाबू था जब के नाम के कसूर रहते थे के छुआछूत रहते थे के कारण पर आशा पे तो शंका समाधान कर लूं अपे समाधान यो की बताल समाधान तो कारण समाधान बताओ कारण ले समाधान ले तुम सब जान छा ओए 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 तुम सब से बोल रछा ओए तुम सब से बोल रछा रे तुम सब से बोल रछा पर के छुपना ने रो नरा छुपना ने बता तो मेरी खुशी बता दे तो बताओ कि छुपा रखो दूध और दूध पानी कर जोर से बाबू बुलाओ बोलो बाबू किले परेशान छा तुम्हारी कुपूत चली वील के करो कुपूत चली बता मन के वीक ब्याह लीजी मैल कतुक 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 धूम धाम वाली ब्याह तैयारी कराक्षी ओ सब जानी खुश थी और वो हमारी इज्जत के दाव में लगे बेर वो ठाकुर दगड़ भाज गए जय कारण तुमन कहे बाय पड़ गयो छी जिंदगी भर तुम खाड़ी पकड़ लिए थी हाले बा हम तक उधलन का नहीं भूली बाबू बताओ इन्होंने कह बताओ यो 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 तो नहीं समझ पाए मथुरा तो नहीं समझ पाए मैं वो मेरे पछल बहना मेरे सामड़ी बेगे और मेल होके जान दी ओए जान दी मेल होके ओए ओए अगर मैं उके नहीं जान दी छी तो वो जिंदगी भर डाड़े मारनी रहे वो डाड़े मारनी रहे ओए ओए जान दी चला। बाबू, मैंने कुछ कहा यार कि न चूल तूने कहे। मैं रोकड़ तो तके चची मथुरा कि लेके तेरे घर पर कौन सवार है रची मथुरा? ये के लीजिए मैं तेरे पचन भाजू ले मैं तेरे पचन भाजू। ओए ओए मैं भाजू। जले भाव इदिन मके वो बात के दुख नहीं छू मके कोई दुख नहीं छू किले के मेर दुई नंदन बच गई पर मके दुख ये बात तक छू कि तेर दिल में वो दिन बटे आज तले नफरत छू जला तेर दिल में नफरत छू अब तो मर जा मथुरा तबे शांति होली होई तबे शांति होली
मामा जी। हर साल मेरी माँ आपकी भिटौली का इंतजार करती रही, लेकिन आपकी भिटौली कब भी नहीं पहुंची। कहां रह गई आपकी भिटौली मामा जी, कहां रह गई? हिट के ब्याह का पिछौड़ा। तू बिटौली बोल रहा था ना, बिटौली। ये है उसके जिंदा रहने तक की बिटौली। अच्छा मामा जी, जीता रहे जीता रहे। अब तो खुश है ना, अब तो कोई शिकायत नहीं है? नहीं, ये हमारे परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए धरोहर है। क्या है मामा जी? अरे तुम्हारे नाना जी की रिसर्च राजूला मालू शाही पर। देखो। माँ की कहानी को तो उसका अंजाम मिल गया, अब बची थी राजूला की कहानी। मालूशाही और राजूला ने जब चुपके से जौहर से निकलने का निर्णय लिया तो सुनपति के अनुचर ने उन्हें देख लिया, पर उसने ये असलियत सुनपति को ना बताकर विक्की पाल के मंत्री को बताई और राजूला से द्वेष होने के कारण मंत्री के साथ मिलकर मालूशाही को मारने का षड्यंत्र रचा। लीजिए योगी जी, क्या हुआ? अनर्थ, घोर अनर्थ। एक साधु की मौत, वो भी इस ब्याह वाले घर में। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये साधु नहीं थे, ये मालूशाही थे। मालूशाही? राजकुमार मालूशाही? ये बागनाथ, ये क्या हो गया? हमें माफ कर दो मालूशाही। आंसुओं को मत बहाइए, इन्हें राजूला के लिए बचा कर रखिए। अनुचर, सुनपति जी, चलिए ब्याह की तैयारी करनी है। अनुचर ने मालूशाही के शव को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुनपति को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके हाथों अनजाने में कितना घोर अनर्थ हो चुका है। इस बात की भनक लगते ही गुरु गोरखनाथ के शिष्यों सिधुआ और बिधुआ ने मालूशाही को ढूंढ निकाला और उसे तंत्र विद्या से होश में ले आए। मालूशाही ने विक्की पाल और मंत्री को रास्ते में ही धर दबोचा।
इस तरह मिलन हुआ राजूला और मालूशाही का, और फिर वो बैराट के लिए निकल पड़े। लेकिन वो वहां कभी पहुंच नहीं पाए, क्योंकि रास्ते में ही इस तरह हुआ शायद राजूला की कहानी का अंत, जिसे ना कभी जौहर समझ पाया और ना ही कभी बैराट। तो तुम्हारे राजूला और मालूशाही की कहानी का अंत तो तुम्हें मिल गया, और अब कोई नई कहानी? हाँ, एक नई कहानी तो है मेरे दिमाग में। कौन सी? हिटो दीदी हिटो भुला हिटवे बेड़ा हिटवे बेड़ा मेर पहाड़ा ओ मेर पहाड़ा उकाऊ सैया मेर पहाड़ा मेर पहाड़ा मेर पहाड़ा चौमासे की चीड़ा न्यर पहाड़ हरी भरी जंगला की भीड़ा न्यर पहाड़ बिछेराई चौमासे कुछ चीड़ा नंदा देवी पंच चुरी पहुँचे आकाशा जय बद्री की दार जय हो तुम्हारी जुआशा हरिद्वार ऋषिकेश पटती दुनिया मगाना न्यर पहाड़ देव भूमि हमारी चुशाना लकी नैना देवी बक्षर उतरे हिटो पहाड़ बुलोन रही यो दादा बेनी हिटो पहाड़ बुलोन चहे दीदी हो बेनी हिटो दीदी हिटो बुला हिटो दीदी हिटो बुला पनते याद करा घुगती को त्योहारा हर मेड़ लागड़ी को दिखे की बहारा नन छन की याद करो घुगती को त्योहारा हर मैना लगते यक कौती को बहारा छोड़ चाचरी नच चौपुला छोड़ चाचरी नच चौपुला वो सतपुली पोसेना हिटो पहाड़ा म्यार पहाड़ा हमारू पहाड़ा हिटा भेज भेटियो लो अपनो पहाड़ा हिटो होता जो खेतियो नो अपन पहाड़ा हिटो दीदी हिटो भुला हिटो दीदी हिटो भुला हिटवे बेना हिटवे बेना म्यार पहाड़ा ओ म्यार पहाड़ा उकल सेना मेर पहाड़ा मेर